गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मी मिसेस नीतू माटा, योर इंग्लिश टीचर. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर वेरी फर्स्ट चैप्टर. द नेम ऑफ द चैप्टर इज द सेंटेंसेस. फर्स्टली आई वांट, बिफोर डिस्कसिंग द सेंटेंसेस, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेंटेंस. व्हाट इज द सेंटेंस? व्हाट इज अ सेंटेंस? नाउ फर्स्टली आई एम गिविंग यू द डेफिनेशन. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए सेंटेंस? A group of words that makes a complete sense is called a sentence. वो group of words जिसकी complete sense होती है is called a sentence. Complete sense कैसे? For example, I want to give you my own example. My name is Mrs. Neetu Mata. What was the definition? A group of words. And this sentence is also having group of words. How? My first word, name, second word, is, third word, Mrs., fourth word, Neetu, fifth word, Mata, six words. My name is Mrs. Neetu Mata. What is this? This is a sentence. And having a complete sense. Sentence वो होता है जिसकी complete sense होती है, और ये group of words होता है. We are having some points here. See here, students. My first point is, a sentence makes complete sense. एक जो sentence होता है makes complete sense. अगर कोई भी sentence जिसको आप किसी को speak कर रहे हो, किसी को भी बता रहे हो, किसी को भी बोल रहे हो, उसकी complete sense होनी चाहिए. पहला point आपके mind में ही clear होना चाहिए. Second point आपके mind में clear होना चाहिए कि sentence में और क्या होता है. It begins with a capital letter. Capital letter, बेटा जी, जब आप किसी भी स्कूल में आपने एडमिशन लिया तो सबसे पहले आपको वर्ड्स सिखाए गए. वर्ड्स कैसे? लाइक पेन, पेंसिल, दीज आर वर्ड्स. देन योर टीचर सैड यू हैव टू राइट ए सेंटेंस. यू हैव यूज दिस वर्ड. दिस इज ए पेन. What you have done, you have used that word which your teacher first time teach you, pen. And after that you made a sentence. आपने क्या किया? एक sentence बनाया. अभी मैंने आपको क्या सिखाया था? एक ऐसा sentence जिसकी complete sense निकले. This is a pen, इसकी complete sense निकल रही है. Second point क्या था? It begins with a capital letter. You can see here I have write the sentence, this is a pen, and I have written the first letter of this word capital, T capital. You can see the first letter, I am saying first letter of this word. This is a pen. Now our next point is, the words in a sentence must be in their proper order. इनका order proper होना चाहिए. ऑर्डर के लिए आपको मैं बाद में बताऊंगी कि प्रॉपर ऑर्डर कैसे होता है एक सेंटेंस का. लेकिन एक प्रॉपर ऑर्डर में, ये नहीं कि आप कुछ भी, पेन को आगे लिख दिया, दिस को पीछे लिख दिया, ए को आगे लिख दिया, इस को पीछे. उसको सिखाने का एक तरीका होता है जिससे आपको ये पता चलेगा कि प्रॉपर ऑर्डर क्या होता है. वी विल डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. नाउ आवर लास्ट पॉइंट इज, ए सेंटेंस एंड्स विद ए फुल स्टॉप. अब आपकी टीचर ने जब भी आपको सेंटेंस लिखना सिखाया तो आपको सबसे लास्ट का पॉइंट ये बताया, बेटा जी यू हैव टू राइट फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस लाइक दिस. आई एम गोइंग टू पुट हियर फुल स्टॉप. दिस इज आवर फुल स्टॉप. यू नो वेरी वेल अबाउट फुल स्टॉप. नाउ आवर लास्ट, ए सेंटेंस एंड्स विद ए फुल स्टॉप. एंड्स विद ए फुल स्टॉप, फुल स्टॉप से एंड कब होता है? जब वो सेंटेंस या तो नेगेटिव हो या अफर्मेटिव हो. अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस. इज इट क्लियर टू यू? नाउ इफ द सेंटेंस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इट विल एंड विद ए मार्क ऑफ इंटेरोगेशन. एक सेंटेंस जो क्वेश्चन होता है, जो जिसमें क्वेश्चन पुट किया जाता है, आपके एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन आते हैं, तो आप क्या, आपके एग्ज़ाम में आपने देखा होगा कि क्वेश्चन के पीछे क्वेश्चन मार्क लगा होता है, ए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन. जो भी, इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सक्लेमेशन
ये मार्क जो है जिसमें हम वन डालते हैं, वन के नीचे हम डॉट डालते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी मार्क, ए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। आई विल टेल यू अबाउट वेयर वी यूज एक्सक्लेमेशन मार्क इन माई नेक्स्ट वीडियो। नाउ आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू वॉट इज द सेंटेंस। नाउ आई एम गोइंग टू रिलेट नेक्स्ट पॉइंट द फ्रेज विद द सेंटेंसेज। वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्रेज एंड द सेंटेंसेज? यू कैन फर्स्टली आई विल गिव यू द डेफिनेशन। सी हियर, सम ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए फ्रेज। यू कैन राइट हियर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स make sense but not complete sense। वो group of words, ये भी group of words है। you can see here group of words, you can see up in the sentences a group of words, then what is the difference between the sentence and the phrase? This is also the group of words, this is also the group of words, then what is the difference? This only makes sense but not कंप्लीट सेंस। इसकी सेंस होती है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं होती। कैसे? यू कैन सी ए फनी स्टोरी। 1, 2, 3 वी यूज हियर थ्री वर्ड्स बट बेटा यू कैन सी हियर दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर हैविंग सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। ए फनी स्टोरी, आपने बोला फनी, ए फनी स्टोरी। अब फनी स्टोरी क्या? किसी ने सुनाई, किसी ने कही, किसी ने बोली, किसी ने लिखी, कुछ नहीं समझ आया। या आपने कोई फनी स्टोरी की वीडियो देखी, कुछ नहीं समझ आया। लास्ट इवनिंग, पिछली रात। पिछली रात क्या हुआ? पिछली रात व्हाट हैपन लास्ट नाइट, लास्ट इवनिंग? इट इज़ नॉट अंडरस्टूड टू अस। एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप पर ये समझ आ गया कि सेंस है कि बस स्टॉप पर। क्या बेटा आपको ये समझ आया कि व्हाट हैपन एट बस स्टॉप? नो। दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सेंस, इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स की सेंस है बट नॉट द कम्प्लीट सेंस। वी कैन टर्न ए फ्रेज इन टू ए सेंटेंस बाई एडिंग सम वर्ड्स टू इट। हम ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना फ्रेज का, इसको क्या कर सकते हैं? टर्न कर सकते हैं। इसको मैंने टर्न करना है ए फनी स्टोरी को, लास्ट इवनिंग को, एट द बस स्टॉप को। कैसे? बाय एडिंग सम वर्ड्स टू इट। इसमें कुछ वर्ड्स ऐड कर देंगे जिसकी वजह से ये एक कम्प्लीट सेंस निकाल देगा और वो बन जाएगा एक सेंटेंस। जिसमें सेंस होगी वो फ्रेज, जिसमें कम्प्लीट सेंस होगी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, कम्प्लीट सेंस वाला सेंटेंस और जिसकी सेंस निकले वो फ्रेज। माई मदर टोल्ड ए फनी स्टोरी। यू कैन सी I have used these words here, a funny story. This is the phrase. मैंने क्या किया? Words को add किया। My mother told me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And we used here 1, 2, 3. Three words were there, but having these three words were having sense, but not the complete sense. But now we are having 7 words and these words are making the complete sense. It means this is the phrase. This phrase is making complete sense by making in it or other words like my mother told me a funny story. अब यहाँ आपको समझ आया कि funny story किसने सुनाई थी? My mother. ए सेंटेंस ऑलवेज हैज ए वर्ब इन इट। एक सेंटेंस के अंदर वर्ब होनी चाहिए, लेकिन जो एक फ्रेज होता है ना उसमें वर्ब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। लेकिन यहाँ पर मस्ट है कि एक सेंटेंस के अंदर ऑलवेज हमेशा हैज ए वर्ब इन इट। इनफैक्ट द वर्ब इज़ द हार्ट ऑफ ए सेंटेंस। जैसे एक इंसान की, आपका आपका आपके अंदर हार्ट है, सबके अंदर हार्ट है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। तो हार्ट से क्या होता है? हम जिंदा रहते हैं। तो वो सेंटेंस किससे जिंदा रहता है, किससे उसके अंदर जान आती है? एक वर्ब के कारण आती है। तो यू कैन लर्न दिस लाइन, द ए सेंटेंस ऑलवेज हैज ए वर्ब इन इट। इनफैक्ट द वर्ब इज द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। वर्ब क्या है? एक सेंटेंस का पार्ट।
अब मैं आपको एक एग्जांपल अपनी तरह से देना चाहती हूँ कि सेंटेंस और फ्रेज में क्या डिफरेंस है। बेटा जी, अगर आपने अपनी मदर को कुछ कहना चाहते हैं, आप सुबह सुबह किचन में गए और आपने देखा आपकी मदर किचन में है और आप कुछ कहना चाहते हैं और आपने ये बोला राजमा चावल, आपकी मदर को समझ आ गया कि राजमा चावल सेंस थी, लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं थी कि राजमा चावल आप खाना चाहते हो, कल खाए, स्कूल में खाए, आपकी फैमिली खाना चाहती है, आपके फादर खाना चाहते हैं, या आपके छोटे भाई बहन खाना चाहते हैं, या ऑल फैमिली खाना चाहती है। लेकिन जब आपने अपनी मदर को ये बोला ना आई वॉन्ट टू ईट राजमा एंड चावल, तो क्या हुआ बेटा जी, इसमें आपकी कंप्लीट सेंस निकल गई और आपकी मदर को सब समझ आ गया और आपकी मदर ने क्या किया, वो राजमा चावल आपके लिए बनाए, क्योंकि उनको सेंस कंप्लीट सेंस समझ आ गई कि यू वॉन्ट टू ईट राजमा एंड चावल। इज इट क्लियर टू यू वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सेंटेंस एंड द फ्रेज? नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज माई चैप्टर, आई विल डिस्कस इन माई नेक्स्ट वीडियो what are the kinds of sentences. So this is my ending of the chapter. Now I will discuss about in my next video. Okay, take care of you, see you.